भाई पोटर के नियम के बाद गर्मी तो बहुत तेज हो रही है राइडर के मन में भी, और एक्चुअल में क्या है भगवान जी भी जो है ना सूरज की तपिश जो है वो बहुत तेज कर दी है। खैर आज का हम निकले हैं भाई तकरीबन 2 बजे के करीब और पहला ऑर्डर हमने उठा लिया है पोटर के अंदर ही, और यह है फरीदाबाद सेक्टर 43 का। और भाई पार्सल जो है वो एक चॉकलेट है, बस एक चॉकलेट, वो खाने वाली चॉकलेट होती है ना, दिखाते हैं आपको एक मिनट। तो भाई ये चॉकलेट है सिर्फ, और ये चॉकलेट का किराया फरीदाबाद जाने का जो है वो 330 रुपए के आसपास है। भाई अब सोच लो कि चॉकलेट जिसको खानी होती है या गिफ्ट करनी होती है वो पैसा नहीं देखता है, पैसा तो हम और आप लोग ही देखते हैं। खैर अब चलते हैं फरीदाबाद, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर डिले करा वीडियो बनाने के लिए भी तो कहीं पोर्टर नाराज हो गया तो हमारी आईडी बंद हो जाएगी। तो भाई सॉरी, क्योंकि फरीदाबाद में हम पहुंचे थे और पहुंचने के बाद वहां थोड़ी देर एक दो भाई का फोन आ गया था, उनसे बात करी और बात करने के तुरंत बाद वापस हमें वहां से नोएडा का ऑर्डर मिल गया, जिसको लेके हम सीधा नोएडा आ गए और बता नहीं पाए कि भाई फरीदाबाद में आखिर उस ट्रिप के अंदर क्या हुआ। तो भाई उस ट्रिप के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो कि राइडर तो खैर नहीं सुन सकते, इसलिए अगर आप राइडर हैं तो भाई अपने फोन का वॉल्यूम जो है उसे बंद कर दो, और अगर आप पोर्टर से हो या पोर्टर के अधिकारी हो तो भाई अपने फोन के वॉल्यूम को थोड़ा तेज कर दो, क्योंकि आपसे ही संबंधित कुछ बात हम बताने वाले हैं जो उस राइड के दौरान हमारे साथ घटी है, इसके ऊपर आपको गौर करना है। तो हुआ ये था कि हमें जो नोएडा से फरीदाबाद की ट्रिप आई थी भाई, वो ट्रिप थी DTDC कोरियर की। जी हाँ, DTDC कोरियर से वो ट्रिप बुक हुई थी, उनका कोई कोरियर जाना था फरीदाबाद, उन्होंने अपने स्टाफ को ना भेज के पोर्टर से राइड बुक करी और हमको साफ फोन करके बता दिया था कि आप बिल्कुल भी मत बताना कि आप जो है पोर्टर से आए हो। तो भाई पोर्टर वालों, आपके लिए हम एक बात बताना चाहते हैं, आप जो ये ड्रेस के ऑप्शन को ला रहे हैं ना, आपके तकरीबन अगर दिल्ली के अंदर हम बात करें तो 10,000 से 15,000 के बीच में राइडर हैं, जो कभी कभी एक आध ऑर्डर भी उठा लेते हैं, हम उनको गिन रहे हैं। तो ऐसे राइडर में अगर आप सबको ड्रेस पहनाना चाहते हो तो आपकी जो प्रीमियम पार्टियां हैं, जैसे DTDC हो गई, ऑन डॉट हो गई, या और बाकी की कोरियर कंपनियां हो गई, जो अपनी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, वो अगर आप ड्रेस को कंपलसरी कर देंगे और सभी राइडर के ऊपर कर देंगे ना, तो आपकी ऐसी प्रीमियम पार्टियां जो है वो खत्म हो जाएंगी, वो आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना छोड़ देंगी और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे चली जाएंगी। इसलिए भाई सख्ती के साथ जो आप ये ड्रेस का नियम लागू कर रहे हैं ये आपके लिए ही कहीं ना कहीं घाटेदायक होगा, क्योंकि हम आपको ट्रिप दिखा रहे हैं, ये ट्रिप के अंदर आपने इस कस्टमर को, क्योंकि ये रेगुलर कस्टमर है आपका, प्रीमियम कस्टमर है जो कि रेगुलर ट्रिप बुक करता है, इसलिए आपने 100 रुपए डिस्काउंट दिया है। और हमने इनसे पूछा था क्या ऐसा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलता है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम दिन में कम से कम 15 से 20 ऑर्डर पोर्टर के ऊपर बुक करते हैं, इसलिए पोर्टर हमें डिस्काउंट देता है। तो भाई अगर आपके सारे राइडर ड्रेस पहनने लगे और ऐसी पार्टियों को पता चल गया कि आपके जो राइडर वहां जाएगा फुल ड्रेस में जाएगा, उनकी पार्टियां टूट जाएंगी, तो भाई कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को दूसरी कंपनी को नहीं देना चाहेगा, इसलिए हो सकता है आपके ये प्रीमियम कस्टमर आपको छोड़ दें। अब इस सिचुएशन पर हम आपको कोई राय तो देंगे नहीं, क्योंकि भाई आप हो कंपनी और कंपनी के अंदर बहुत हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, अब आप इसका जुगाड़ निकालो। हाँ, वो राइडर भाई जो आजकल ऑर्डर डिले की वजह से परेशान है कि डिलीवरी लेट हो रही है उसकी वजह से उनकी आईडी बंद हो रही है, तो हम एक बात आपको बताना चाहते हैं भाई, जिन्होंने भी जिप से गाड़ी ले रखी है अगर उनकी आईडी बंद हुई ना ऑर्डर डिले की वजह से, तो उनपे दोहरी मार पड़ने वाली है। इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले देखना यह है कि कहीं यहाँ पर भी पोर्टर पार्सलिटी तो नहीं कर रहा है कि जिप वालों को ऐसी कोई छूट मिल रही हो कि वो ऑर्डर डिले भी कर रहे हैं उसके बावजूद उनकी आईडी बंद नहीं हो रही है, और नॉर्मल बाइक वालों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर वो ऑर्डर डिले कर रहे हैं और उनकी आईडी बंद हो जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिप का और पोर्टर का एक गठबंधन हुआ था जिसके तहत जिप अपनी गाड़ियां पोर्टर को देता है और राइडर देता है, और उसी गठबंधन के तहत जो है जिप की जितनी भी गाड़ियां लगती हैं भाई उनको 900 रुपए भी पे नहीं करने पड़ते हैं, उनकी फ्री में ही आईडी बन जाती है। चलिए जिप के बारे में तो हम अगले वीडियो के अंदर बताएंगे, इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।